हेलो गाइस, मैं हूँ एनआई बीएमएस का स्टूडेंट एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा पर आपका स्वागत है गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान आयुष काउंसलिंग 2020 के रजिस्ट्रेशन की टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है एंड ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग की टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट एंड एफिडेविट जो है लेके जाने हैं कॉलेज में। ओके गाइस, तो इन सब के बारे में जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना देर के वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने एंड ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए हो तो ऐड हो सकते हो। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप का। ओके गाइस, काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं सारे अपडेट जो हैं वहाँ पर मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूँ एंड काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट जो हैं वहाँ पर सोल्व किए जाते हैं। ओके गाइस, तो आप ऐड हो सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो गाइस, आपको जो है अपनी रिसेंट कलर फोटो होनी चाहिए एंड सिग्नेचर और नीट 2020 का एडमिट कार्ड और नीट 2020 का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी एंड सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट यानी कि 12th की मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप राजस्थान के हो एंड रेजुरेशन प्रूफ यदि आप SC एंड ST कैटेगरी में हो तो। ओके गाइस, उसके बाद में जो NRI हो तो NRI प्रूफ के लिए आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए एंड PH कैंडिडेट हो तो उसके लिए PH सर्टिफिकेट चाहिए। ओके गाइस, एंड आपके BUMS यानी कि यूनानी में यदि आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको जो है 12th में उर्दू से पासिंग आउट होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये तो आपको जो डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम पे आपको जो है ये डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करने हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाती है तो जो ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके गाइस, तो गाइस अब बात करते हैं कि आपको जो है ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी। ओके गाइस, तो आपको जो है नीट 2020 का स्कोर कार्ड लेके जाना है आपको और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपके पास होना चाहिए एंड मार्कशीट होनी चाहिए 10+2 की और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपकी 10th की मार्कशीट चल जाएगी एंड 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड यूर एलिजिबिलिटी एज सेलेक्ट बाय यू एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपने जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर आपको जो है सीट अलॉट हुई है उसका इनको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। ओके गाइस, ये 7 नंबर का डॉक्यूमेंट हो गया एंड 8 नंबर के डॉक्यूमेंट आपको इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो एंड 9 नंबर का डॉक्यूमेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वो 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेके जाने हैं। यदि PH कैंडिडेट हो तो उसके लिए आपको PH सर्टिफिकेट लेके जाना है एंड वार्ड ऑफ पर्सन डिफेंस वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री पर्सन सर्टिफिकेट यदि हो तो ये आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है एंड EWS कैटेगरी में हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है एंड अपनी फैमिली की इनकम यदि 2.5 लाख से कम है तो उसके लिए आय प्रमाण पत्र बनता है राजस्थान में वो आपको लेके जाना है एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ एफिडेविट्स दे रखे हैं, उन एफिडेविट्स में एक परफॉर्मा 9 है वहाँ पर इन्होंने एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दे रखा है जिसको आपको स्टाम्प पेपर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको इस अंडरटेकिंग फॉर्म को बना के ले के जाना है। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको जो है काउंसलिंग ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट होगी। और गाइस, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और इनके अलावा आपके पास इनकी 2 फोटोकॉपीज होनी चाहिए। ओके गाइस, तो इनकी 2 फोटोकॉपीज होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बोल रखा है कि इनकी 2 फोटोकॉपीज और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ये कंपलसरी है। तो गाइस, जब आपको
कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो उसके बाद इन डॉक्यूमेंट की 240 कॉपीज़ उनको सेल्फ अटेस्टेड करके रख ले ताकि आपको ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई भी दिक्कत ना हो। तो गैस ये मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड ज्वाइनिंग एंड रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट होगी ये मैंने आपको बता दिया है। यदि फिर भी इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होकर वहाँ पर भी जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इनकी जो PDF फाइल है, डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, तो यदि आप ऐड नहीं हुए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइस यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।